हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जो है मित्तल, और आज हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 के जो क्वेश्चंस रिमेन रह गए थे। अभी तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, और क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमें फाइंड करना था। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक करना तो 11 से भी सेकेंड डेरिवेटिव ही फाइंड है, लेकिन कुछ इक्वेशन हमें गिवन होगी, अब हमें वो सेटिस्फाई करा के दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमें, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू दिस, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है, तो ये डबल डेरिवेटिव इसमें दिख रहा है, तो पहले तो वही काम है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव और y की ये वैल्यू रख दें, और अगर वो कट के जीरो आ जाए तो इक्वल टू आर एच एस आ जाएगी, तो हैंस दैट विल बी द रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा ना। तो अब हमें क्या करना होगा, बस ये जो फंक्शन दिया हुआ है सी का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, और उसको यहाँ पर रखकर और प्लस वाई की वैल्यू रखकर सेटिस्फाई करा के देखना होगा कि क्या आता है। तो करते हैं, गिवन है वाई इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो वाई डैश यानी कि dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस का 5 cos x का माइनस साइन x होता है ना, इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस 3 cos x, sin x का cos x, y डबल डैश, या फिर हम d2y/dx² भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस का 5 sin x का cos x, और यहाँ पर cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 sin x। अब वी हैव टू प्रूव दैट, हम LHS लेकर चलते हैं, d2y/dx² + y, जो कि कितना आएगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं डबल डेरिवेटिव की फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, या इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं जो गिवन थी, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड से वाई की वैल्यू और डबल डेरिवेटिव की हम वैल्यू रख के देखते हैं कितना आता है, माइनस का 5 cos x प्लस 3 sin x, ये तो आ गई डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 5 cos x माइनस 3 sin x, यही है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर पॉजिटिव cos x है 5 का और माइनस का है, तो कैंसिल हो रहे हैं और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू cos inverse x। अब इसमें बोला है फाइंड dy/dx, d2y/dx² ये डबल डेरिवेटिव ही है d2y। अब हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू cos inverse x, और हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो y की टर्म्स में हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब हमें क्या गिवन है उसी को लेकर चलते हैं, y इज इक्वल्स टू cos inverse x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y डैश आ जाएगा जो कि कितना आएगा, माइनस का 1/√1 − x². डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 या फिर माइनस का 1 − x² − ½। इसको मैं ऊपर ले गई तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस का हाफ तो प्लस हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाती है, जैसे एक्स की पावर माइनस हाफ का करते हैं तो, और ये हो जाएगा 1 − x² − ½ − 1, और मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, तो ये आ जाता है हमारे पास। तो कितना आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का x अपॉन, ये माइनस की पावर है, इसे जब सम करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3/2, तो नीचे जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव। तो ये आ गया वाई डबल डैश, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया वाई डबल डैश माइनस का एक्स अपॉन 1 − x² / 3/2। अब हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, तो आ गया हमारे पास यही है डबल डेरिवेटिव d2y/dx² आ गया ना हमारे पास।
अब इसको तो अभी और सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन उसने क्या बोला क्वेश्चन में, ये जो डबल डेरिवेटिव है वाई की टर्म में फाइंड करो। अब वाई की टर्म में कैसे फाइंड करें, वाई यही तो दिया है हमें। अब यहाँ से हम एक्स को कितना लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, तो y की टर्म में तभी आ सकता है अगर हम x की वैल्यू क्वेश्चन यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव आया है x की वैल्यू किसकी टर्म में रख दें, cos y की टर्म में। तो रख के देखते कितना आता है, माइनस का cos y, वन माइनस cos स्क्वायर y की होल पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। अब इसको कितना लिख सकते हैं हम, माइनस का cos y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी साइन स्क्वायर वाई की पावर 3 बाई टू। अब इसकी पावर 2, इसकी पावर 3 बाई टू, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का कॉस वाई डिवाइड बाय साइन होल क्यूब वाई। तो साइन स्क्वायर अलग ब्रेक कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन हम इसको लिख सकते हैं कॉट, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस अपॉन साइन में एक साथ ले रही हूँ, तो दैट विल बी कॉट वाई, और वन अपॉन साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर, कोसिक स्क्वायर वाई, तो दैट विल बी द आंसर। तो हमें क्योंकि ये किसकी टर्म में फाइंड करना था, वाई की टर्म में फाइंड करना था, अदरवाइज हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, सिंपल अगर डबल डेरिवेटिव ही फाइंड करना होता तो। तो यहाँ तक हो जाता हमारा क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि ये y की टर्म में फाइंड करना था इसीलिए हमने उसको x को y के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 क्वेश्चन में भी वही टर्म है, हमें एक y दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। जहाँ पर ये y2 y1 रिप्रेजेंट करता है, y2 मींस डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 मींस सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सिंपल dy by dx, और y हमें गिवन है ही, तो वही काम करना है LHS में, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर सबको सम करके जीरो आ जाते हैं तो दैट इज़ दी सॉल्यूशन, यानी कि यही हमें प्रूव करना है, और वो आएगा ही आएगा क्योंकि हमें ये शो करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th स्टार्ट। y इक्वल्स टू हमें गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और हमें ये प्रूफ करना है। तो y1 निकालते हैं या y डैश निकालते हैं, एक ही बात है, क्योंकि y1 y2 की टर्म में दिया हुआ है इसलिए मैं y1 लिख रही हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का कितना होता है माइनस का sin x, तो दैट विल बिकम माइनस का 3 sin log x, और क्योंकि x तो नहीं था log x का डिफरेंशिएशन x, तो ये आ जाएगा डिवाइड में x, प्लस सिमिलरली 4 cos log x और log x का डिवाइड में x। तो ये आ गया हमारे पास y1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा x कॉमन लेके, x माइनस का 3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब y2 क्या होगा, कोशेंट रूल लग जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो क्या आएगा, पहले तो x का स्क्वायर, x एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का 3 cos log x और log x का अपॉन में x, प्लस ये माइनस का हो जाएगा कॉस का, माइनस का 4 साइन लॉग एक्स और साइन लॉग एक्स का अपॉन में एक्स, तो ये हुआ माइनस, क्वेश्चन ट्रूल है ना, अब की बार एक्स का करेंगे इसको एज इट इज, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स एज इट इज, और एक्स का हो जाएगा 1, x का हो गया 1, तो सिंपल इतना बचा। इस x की मल्टीप्लाई हमारी इसमें थी, तो इसको मल्टीप्लाई देखो, x कॉमन, 1 अपॉन x कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं कितना बचेगा, ये हमारे पास माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 sin log x माइनस माइनस प्लस 3 sin log x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 cos log x।
एंड डिवाइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैं बाहर ले रही हूँ, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको करते हैं। ये माइनस कॉस कॉस वाले, ये माइनस का 7 बन रहा है और ये माइनस 4 प्लस 3 बन रहा है माइनस का 1। तो हम देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले कॉस वाला ले लेते हैं, दैट इज माइनस 7 कॉस लॉग एक्स और ये बन रहा है माइनस का साइन लॉग एक्स। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4 प्लस 3 तो दैट इज माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास y2 की वैल्यू। अब y2 में अगर राइट अगर हम ये टर्म देखें जो हमें प्रूफ करनी है, इसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर y2 अगर हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो y2 या एक्स स्क्वायर की इधर से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर y2 की वैल्यू यहीं से आते हुए हमें दिख रही है कितनी, माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स और माइनस का साइन लॉग एक्स। तो ये तो आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है और इससे भी हम एक्स वाई वन निकाल सकते हैं। एक्स वाई वन की वैल्यू यहाँ से आते हुए कितनी दिखेगी, दिस इम्प्लाय क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया वाला। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से हम फाइंड कर पा रहे हैं एक्स वाई वन, दिस इम्प्लाय एक्स स्क्वायर वाई टू आ गया एक्स वाई वन फ्रॉम दिस लाइन, एक्स वाई वन आ जाएगा, एक्स वाई वन की मल्टीप्लाई होगी, ये वाई वन था ना, एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई वन इज माइनस का 3 साइन लॉग एक्स एंड प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। अब इक्वेशन 1, 2, 3 डालते हैं हम, ये हो गई हमारे पास y जो गिवन था, हमारे पास ये y था, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, एक्स वाई वन वाली y वाला फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू को, दिस इज थर्ड। तो तीन इक्वेशन, अगर हम इन तीनों को सम करेंगे तो हमारा जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी है, 3, इन तीनों को सम करके देखते हैं एल एच एस, वी हैव टू प्रूव। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो एल एच एस अगर हम लेकर चलेंगे तो देखते कितना आता है, एल एच एस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, सबकी वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू की वैल्यू है माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स और साथ में है माइनस का साइन लॉग एक्स, माइनस का साइन लॉग एक्स। तो ये आ गई हमारी एक्स स्क्वायर वाई टू की वैल्यू। अब एक्स वाई वन की वैल्यू रखते हैं, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, डन। ये एक्स वाई वन की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू ऐड करनी है, प्लस वाई है ना, तो यानी कि 3 प्लस का 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस का 4 साइन लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स। तो अगर हम इन तीनों को सम करते हैं, देखो 4 प्लस 3 7 और ये माइनस का 7, ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ये माइनस का 4 प्लस 4 तो दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो यही प्रूफ करना था ना, तो हो गया ये हमारा प्रूफ, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। सेम है बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था, y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स। अब यहाँ पे ये जो a b m n है ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, ये वेरिएबल्स नहीं है, e, बस x वाली टर्म जो होगी वही हमारी वेरिएबल है, मीन्स e की पावर एम एक्स टाइप का, जहाँ पे m कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अगर हम dy by dx निकालेंगे, dy by dx कितना आएगा, a एज इट इज e की पावर x का, e की पावर x एज इट इज, लेकिन एम एक्स का वो x तो नहीं था ना, एम एक्स का कितना इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाई में m, प्लस सिमिलरली b e की पावर एन एक्स मल्टीप्लाई में n। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है डबल डेरिवेटिव।
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, दोबारा से करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, एम ए, एम मैंने बाहर ले लिया, ई की पावर एम एक्स का फिर से करेंगे तो ई की पावर एम एक्स इंटू में एम, तो जो कि एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम ई की पावर एन एक्स का एन स्क्वायर हो जाएगा बी एज इट इज ई की पावर एन एक्स। तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब इक्वेशन हमें जो प्रूफ करनी थी वो है ये टर्म, तो रखते हैं वैल्यू, वी हैव टू प्रूफ, एल एच एस लेके चल लेते हैं। एल एच एस इज गिवन एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, और इसको हमें सम को क्या प्रूफ करना है, जीरो। तो देखते हैं कैसे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखते हैं पहले, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। तो ये वैल्यू आ गई डबल डेरिवेटिव की, माइनस एम प्लस एन की मल्टीप्लाई किस में होगी, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म थी, तो करते हैं इसको भी, इसको लिख सकते हैं हम कितना, एम ए ई की पावर एम एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कितना, एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, एम एन की मल्टीप्लाई वाई में, वाई की वैल्यू क्या क्या गिवन थी, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है, दिस इज इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम की मल्टीप्लाई करते पहले, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, साथ में माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है और एम की मल्टीप्लाई चल रही है अभी, तो ये बन जाएगा माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स। तो m की मल्टीप्लाई पहले दोनों में की और माइनस साइन की भी, तो इसलिए दोनों माइनस में। सिमिलरली अब n की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n m a e की पावर एम एक्स, और साथ में हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर b e की पावर एन एक्स। तो ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल एम एन वाली टर्म्स है, एम एन a e की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। तो हम देख रहे होंगे सारी ही टर्म्स कट रही होंगी, एम स्क्वायर ए ये कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, एन स्क्वायर वाला बी ई की पावर एन एक्स, पावर सब सेम है तो ये दो टर्म कैंसिल होते हुए दिख रही हैं इधर से, और माइनस का एम एन बी, माइनस का एम एन बी, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रही है। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, तो हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू RHS, hence proved। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 की तरह ही है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और हमें डबल डेरिवेटिव शो करना है, शो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 49y। तो जैसे ये करा था बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसेस में हमें करना है, और मैं यहीं से दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस y में a की जगह पर अगर 500 रख दे, b की जगह पर 600 रख दे, m की जगह पर 7 रख दे और n की जगह पर माइनस 7 रख दे, तो डबल डेरिवेटिव का क्या यही सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए? तो रख के देख सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं हम, एज सच भी नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट रख के बता रही हूँ कि आएगा कि नहीं। आप लोगों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है, ऐसे नहीं करना, मैं तो आंसर निकाल के बता रही हूँ जो कि आएगा ही आएगा। तो डबल डेरिवेटिव हम रख रहे हैं ए की जगह पर, जहाँ जहाँ ए है, कंपेयर अगर हम करेंगे गिवन क्वेश्चन को इनको, तो ए की जगह है 500, बी की जगह 600, तो इसी में डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखते हैं एम स्क्वायर, एम की जगह है 7, तो 7 का स्क्वायर, ए की जगह पर है 500,
ई की पावर 7x प्लस एन स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर, देन बी की वैल्यू है 600 और ई की पावर कितना आ गया माइनस का 7x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ से 49 कॉमन है, ये 49 कॉमन और बाकी जो बचा उसको देखते हैं। 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x ये आ गया। देखो यहीं पर प्रूफ होते हुए दिख रहा है, क्या है हम इसको y नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, एज इट इज y बन गया, तो दैट इज इक्वल टू 49y, हैंस द रिजल्ट। डबल डेरिवेटिव कितना आ गया 49y, तो था ना कितना सिंपल। तो यहीं पर प्रूफ हो जाता है, बस हमें ये 7 स्क्वायर कॉमन लिया और बाकी जो टर्म बची वो थी एज इट इज y। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16-17, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16-17। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये टर्म गिवन है और हमें प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। अब हमें जो गिवन है वही लेकर चलेंगे ना, दिस इज इक्वल टू 1 गिवन है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको डिवाइड में ले जाएं, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर वाई, और जिसको हम ई की पावर माइनस वाई भी लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो d x का हो जाएगा 1 प्लस 1 का 0 इक्वल टू e की पावर माइनस वाई का विद माइनस साइन और y का dy वाई बाई डी। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई, इधर डिवाइड में आ जाएगी विच इज इक्वल टू dy वाई बाई डी एक्स, और दिस इम्प्लाई डी वाई बाई, और ये माइनस साइन का के साथ था तो माइनस भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम ठीक से लिख सकते हैं माइनस का ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी जो कि ई की पावर वाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी ना, फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, वैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं रखो, हम यहाँ से इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इतने पोर्शन को, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन तो गया, हो गया ना क्वेश्चन। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट दिस टर्म इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दो बार डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव इक्वल टू हैंस द रिजल्ट, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। y इज इक्वल टू हमें गिवन है 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, जहां पर हमें शो करना है शो दैट दिस टर्म इक्वल टू 2 के आनी चाहिए। वाई वन वाई टू मैं बता चुकी हूँ, वाई वन मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वाई टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो करते हैं स्टार्ट, वाई इज इक्वल टू हमें गिवन है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई वन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मैंने बताया हुआ है तो 2x, यानी कि 2 टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास कितना y1, और यहां से y1 आ गया, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं y2, y2 जब हम निकालेंगे यहां से तो कोशेंट रूल लगेगा, तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा नीचे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से हम कितना लिख सकते हैं ये इसका होल स्क्वायर नीचे वाला टर्म एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 को बाहर ही रख लेते हैं, 2 बाहर ही छोड़ दिया, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब की बार tan इनवर्स x को एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, तो है ना सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास y2, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 2 बाहर था और ये मैं नीचे लिख रही हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कट के कितना रह गया यहाँ पर 1 माइनस 2x इंटू टेन इनवर्स x,
2x tan इनवर्स x, तो ये टर्म आ गई हमारे पास y2 की वैल्यू, y2 आ गया। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ये था y2, इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू इज इक्वल्स टू कितना दिख रहा है हमें, टू वन माइनस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, यही तो है हमारे पास, ये आ गया इस टर्म का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन, तो हमारे पास वाई वन ये था, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज मल्टीप्लाई होके आ जाएगा यहाँ से भी, तो दिस इम्प्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू कितना है, 2 टेन इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू है, बस इसमें अगर 2x की भी मल्टीप्लाई कर दे, ये है ना हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास ये टर्म फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन हमने निकाला 2 टेन इनवर्स x, यही निकाला ना यहाँ से, अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2x की, अब इसमें अगर दोनों तरफ 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 4x tan इनवर्स x, यही आ गया ना हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, इन दोनों को हमें क्या करना है सम, तो इन दोनों इक्वेशंस को सम कर दो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करके देखते हैं और वही हमारा क्या होगा LHS होगा, जो कि आ जाएगा कितना आ जाएगा देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वन में, तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें ऐड करना है सेकेंड इक्वेशन 4x tan इनवर्स x, तो हम देख रहे हैं ये दोनों टर्म कटते हुए दिख रही है और जो बचा वो इक्वल टू 2 है और वही हमें प्रूफ करना था, तो ये तो सिंपल ही निकला बहुत, 2 विच इज़ इक्वल टू RHS, hence the result। तो यहाँ फिनिश हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 5.7, और वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपके सिलेबस से नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम तो हट चुकी है ना, तो यहीं पर फिनिश होती है फ़िलहाल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों की। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। Thanks for watching.